my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar by Brain Root series. Here is a book and the name of the book is Grammar Glitter Odyssey and this is book 1. Today we will start chapter 18 and the name is Over, Inside and Outside. So let's see what's in the chapter. The words over, inside and outside tell us where something is or someone is. तो ये जो words हैं over, inside या outside, ये भी position बताते हैं, जैसे in, on, under पढ़ा था हमने, वैसे ही ये words भी position बताते हैं. अब इन words का क्या meaning है, चलिए देखते हैं. The cat smelled something tasty. Cat को कुछ बहुत ही tasty चीज़ की smell आ रही थी. It jumped over the wall. तो अब कैट ने क्या किया, वॉल के दूसरी तरफ कूद गई. तो अपनी पोजीशन को कैट ने चेंज किया. दिस वॉज अ वॉल, यहाँ थी, यहाँ से कूद के दूसरी तरफ आ गई. सो दिस इज ओवर, जब आप अपनी पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह चेंज करते हो. द बॉयज आर सिटिंग इन साइड द कार. अब बच्चे जो है कहाँ बैठे हैं, कार के अंदर. अब जो है इन्होंने भी अपनी पोजिशन चेंज की और सारे कार के अंदर चले गए. They have to come to visit us. वो हमसे मिलने आ रहे हैं. तो inside means किसी चीज के अंदर. They are outside the house. ये लोग घर के बाहर हैं. Outside means बाहर. And they are enjoying together. और ये लोग enjoy कर रहे हैं. So let's do exercise A. Circle the correct words. तो हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, सेंटेंसेस दिए गए, उनमें जो करेक्ट वर्ड है उसे सर्कल करना है. माई कैट रैन ओवर द हाउस या आउटसाइड द हाउस. तो हाउस था क्या, कैट उसके ऊपर से गई या घर के बाहर चली गई. कैसे कर सकती है कैट, क्या घर के ऊपर से जा सकती है? नो. सो इट इज माई कैट रैन आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर चली गई. The gift is outside, inside the box. तो जो जब कोई box है, हम किसी के लिए gift ले जाते हैं, तो gift कहाँ ले जाते हैं, box के बाहर रहता है या अंदर रहता है. So it will be inside the box. The shop is dash my house. तो जो shop है क्या वो मेरे घर के over ऊपर है या outside? So outside my house, मेरे घर के बाहर है. The dog jumped over the wall, inside the wall. जो dog है वो कहाँ पे jump कर रहा है, wall के ऊपर से जा रहा है या wall के अंदर चला जा रहा है? So over will come here. Over is correct. Bhavya fell over the cake, inside the cake. Bhavya जो है केक के अंदर चला गया, गिर गया, या केक के ऊपर गिर गया. सो इट विल बी ओवर द केक. नाउ लेट्स मेक अ पेयर. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, पिक्चर दिए गए हैं, उनके चलिए पेयर बनाते हैं. सो मैच फ्यू थिंग्स ऑलवेज गो विथ ईच अदर. कुछ चीज़ें हमेशा एक दूसरे के साथ रहती, चिपकी रहती, बेस्ट फ्रेंड की तरह. सो मैच द पिक्चर टू मेक पेयर. पिक्चर्स को मैच करना है पेयर बनाने के लिए. देन रीड देम अलाउड. सो फर्स्ट इज पेंट. पेंट किसके बिना अधूरा है, ब्रश के बिना. सो इट विल बी पेंट ब्रश. नाइफ, नाइफ के साथ क्या आएगा, फोक, फोक एंड नाइफ. ब्रेड, ब्रेड के साथ क्या खाते हैं, बटर. सो ब्रेड बटर. नेक्स्ट वन इज डे. डे के साथ आता है नाइट, डे नाइट. की, और की के को क्या चाहिए, लॉक. सो की एंड लॉक. चॉक, अब चॉक टीचर तो लिखती है चॉक से, लेकिन बिना डस्टर के वो तो अधूरा है, बिना डस्टर के वो कैसे मिटाएंगी. सो चॉक एंड डस्टर. सो दीज वर द मैचिंग्स. सो आई होप चिल्ड्रन यू एंजॉयड मेकिंग दीज मैचिंग्स. आई विल बी मीटिंग यू सून विद अ न्यू वीडियो. टिल देन स्टे ट्यून्ड.